कोई करियर लॉन्चर। हाय एवरीवन, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हिस्ट्री की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आज मैं बहुत देर में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, लेकिन उससे पहले आप लोग फुली अपडेट रहने के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए एक ईमेल भेजेंगे। जीमेल आईडी है bushra.sartha@gmail.com। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगती है, बेनिफिशियल लगती है, तो डेफिनेटली लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें जरूरतमंद लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछले बार मैंने लास्ट फ्राइडे को सैटरडे को उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक एज पढ़ाया था, तो उसमें शायद एक क्वेश्चन ये नहीं बताया था मैंने आपको कि आर्यंस की भाषा या नॉन आर्यंस जो थे, आर्यंस की भाषा आएगी, नॉन आर्यंस आएंगे ही नहीं क्या? आर्यंस तो आर्यंस की वैदिक लिटरेचर की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। अगर ना बताओ तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे रिलीजन। क्या पढ़ेंगे? रिलीजन। अब रिलीजन में कैसे परिवर्तन आए इस चीज को देखेंगे। तो आपने क्या देखा? इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, वैदिक सिविलाइजेशन देखा, फिर आपने देखा उत्तर वैदिक में कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है धारणा बनी और कैसे लोगों ने पूजा शुरू की। तो अब ये जो बलिदान अनुष्ठान था ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा, बहुत बढ़ गया। वैश्य कहने लगा सारे बिजनेस मैं करता हूँ, और क्षत्रिय कहने लगे रक्षा तो हम करते हैं, ब्राह्मण को कर क्यों जाता है, ब्राह्मण जो है कोई भी, मतलब बहुत सारी जातिगत लड़ाइयां और बहुत सारी कुप्रथाओं ने देखा जाए तो, मतलब एक कुप्रथा नहीं, वाद विवाद की स्थिति कहे तो ठीक होगा, वाद विवाद की स्थिति ने जन्म ले लिया, क्वायरल छिड़ गई, एक तरह से क्वायरल समझते हैं ना, छिड़ गई। तो ये सारी चीजें हुई और ऊपर से जानवरों की बलि दी जाती थी बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में, और उसके साथ साथ ये संख्यागत बलि बड़ी, मतलब इस तरह लेन देन के मसले ज्यादा बढ़े, और ये वर्ण व्यवस्था की वजह से जो जातिगत इश्यूज थे वो पैदा होने लगे, तो एक अशांति जैसा माहौल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से निकले कुछ लोग जिन्होंने अलग अलग धर्म की स्थापना की। तो आज हम पहले पढ़ेंगे बौद्धिज्म। क्या पढ़ेंगे? बौद्धिज्म। देखिए, ये जो गौतम बुद्ध थे इनके जीवन की सारी घटनाएं, एक ग्रह छोड़ने घर छोड़ने वाली घटना को हटा दें तो सारी घटनाएं लगभग कब हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा को, है ना, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थी। लेकिन एक ऐसी जो अभिनिष्ट कर्मन है, घटना में बताऊंगी आगे, तो ये वाली जो थी घटना सिर्फ हुई थी कब? अमावस्या को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध असल में क्या था? ये साक्य वंश के जो है एक राजकुमार कहिए, राजा के बेटे थे, साक्य वंश के जो राजा थे उनके बेटे थे गौतम बुद्ध। और इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ इनका लुम्बिनी का, लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी, जो लुम्बिनी का स्थान कहाँ पड़ता है? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। अच्छा देखिए, महावीर का जन्म भी इनके समकालीन आते हैं महावीर। अब महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। तो जो 540 बीसी में महावीर का और 563 क्या 563 563 बीसी में महात्मा गौतम बुद्ध का, ये अभी बुद्ध हैं, अभी इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये गौतम बुद्ध कैसे बनेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो ये 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्मे। कहां? साक्य वंश में। आप इनको क्या क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश, साक्य मुनि। क्यों कहा इनको साक्य मुनि? क्योंकि ये जो साक्य मुनि का नाम इसलिए दिया गया, ये इनकी जाति भी थी और जो राजवंश घराना था वो साक्य वंश था, इसलिए इनको कहते थे साक्य मुनि। और ये भारत में जरूर ये जन्म दिए, क्या बोलेंगे, धर्म, बौद्ध धर्म जरूर फैला, लेकिन आज की डेट में देखिए भारत के बाहर इनको लाइट ऑफ एशिया क्यों कहते हैं, एशिया का प्रकाश, क्योंकि देखिए नेपाल है,
भूटान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, चाइना है, सारी जगहों पर क्या देखेंगे, बौद्धिज्म का बोलबाला लगभग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। चलिए, ये सारी बात हो रही है हमारी बौद्ध धर्म के रिलेटेड। तो ये क्या हमने देखा कि क्या कहते हैं इनको, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश, साक्य मुनि, इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और इन ये कहाँ पैदा हुए, ये हमने बता दिया, बुद्ध पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट में लुम्बिनी में, जो अभी नेपाल में है, जन्मे। बहुत क्लियर बताया है मैंने। इन आपके इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, शुद्धोधन। शुद्धोधन नाम था बुद्ध के पिता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। क्या नाम था, महामाया। ठीक है जी, सिद्धार्थ इनका नाम हुआ। अब इनको जन्म देते ही इनकी माता लगभग 7 दिन के अंदर अंदर देहांत हो गया उनका। 7 दिन के बाद इनका देहांत हो गया। अब जाहिर सी बात है, पालन पोषण कौन करे। अब पालन पोषण की स्थिति है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, आते रहेंगे, मैं बताते रहूंगी आपको कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बीच बीच में। 7 दिन के बाद इनकी माता गुजर गई। तो कुछ तो कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा दर, कुछ कहते हैं कि इनकी मौसी, कुछ कहते हैं पालने वाली माता, लेकिन सच्चाई क्या है, हम तो वही बात करेंगे जो तथ्य परक 100% सत्य होगी, वही बात करेंगे। तो बात यह है कि इनके पिता ने शादी की थी गौतमी से, दूसरी शादी, तो प्रजापति गौतमी, जिनको लोग इनकी मासी भी कहते हैं, तो प्रजापति गौतमी ने किया था बुद्ध की माता का देहांत के बाद बुद्ध का पालन पोषण। ठीक है, और ये पहली शिष्य भी रही हैं, ये मैंने अभी बता दिया आपको, ये इनकी पहली शिष्य यही बनेंगी। चले, ये बात तो फाइनल हुई। अब जब ये पैदा हुए, जन्म लिया, तो उसके बाद जब जैसे राजवंश था, जाहिर सी बात है, तो बचपन में ही इन पंडित को बुलाया गया, कहा गया कि भाई इसका भविष्य बताइए कैसा होगा इस पुत्र का। तो उन्होंने कहा या तो ये बहुत ही शक्तिशाली राजा बनेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में क्या कहा कि या तो ये शक्तिशाली राजा बनेंगे या फिर ये दुनिया को त्याग देंगे। क्या करेंगे, दुनिया को त्याग देंगे। तो ये वाली बात हुई। अब भाई जाहिर सी बात है, पिता राजा है तो क्या चाहेंगे, वो तो यही चाहेंगे ना कि हमारा जो पुत्र है वो राजवंश ही संभाले, राजवंश गद्दी संभाले, राजवंशी गद्दी संभाले, सीट संभाले, यही तो यही चाहेंगे ना। तो वो क्या करते थे कि बुद्ध को कभी बचपन में उन्होंने बाहर ही नहीं जाने दिया, बाहर नहीं जाने देते थे। अब जब बड़े हुए, जवानी का आलम हुआ, यंग एज आई, तो क्या हुआ, शादी करवा दी गई, महात्मा बुद्ध की शादी हुई। शादी भी हुई थी भाई, महावीर की भी हुई थी शादी। पहले हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बाद फिर हम जैन धर्म को पढ़ेंगे, फिर समकालीन दोनों का बताऊंगी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलना करके। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए जितनी होती है ना, आप खुद अंदाजा लगाइएगा कितनी मेहनत होती है। तो खैर, ये शादी हुई, शादी के बाद जो इनके पत्नी थी उनका नाम क्या था, इनकी जो धर्म पत्नी हुई उनका नाम क्या था, यशोद्रा। क्या नाम था, यशोद्रा नाम था। और ये भी साक्य वंश की राजकुमारी थी। क्या थी, साक्य वंश की राजकुमारी थी। इनसे इनका विवाह हो गया, एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। अब आता है कि बुद्ध ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि ग्रह त्याग कब किया, तो ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, अभिनिष्कर्मण। अभिनिष्कर्मण का नाम दिया जाता है बौद्धिज्म में, बुद्ध के जो महात्मा बुद्ध थे उनके ग्रह त्याग की घटना को क्या नाम दिया जाता है, अभिनिष्कर्मण। और ये एक क्वेश्चन एक और इसमें आ सकता है कि भाई ये कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर ग्रह त्याग किया, महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया, तो ये ही वॉज 29 ईयर ओल्ड, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया। अब ग्रह त्याग कैसे किया वो आगे देखेंगे, ग्रह त्याग किया क्या वजह हुई उसकी, तो वजह ये थी 29 वर्ष के हुए, ग्रह मतलब बाहर निकले, बाहर निकले, बाहर कैसे निकले, जाहिर सी बात है ग्रह त्याग किया तो पैदल तो जाएंगे नहीं, हैं पैदल जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, राजा के बेटे एक तो, और ऊपर से फिर भी, और ये
क्या था, अमावस्या के दिन 29 वर्ष की उम्र में अमावस्या को इन्होंने घर त्याग किया। आप लोग लगा सकते हैं 563 से ईसा पूर्व से, अब ये जो है आप लगा लो 29 वर्ष के जब हुए तब ग्रह त्याग, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस बीसी में इन्होंने ग्रह त्याग किया। तो अब जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो इनके साथ एक रथ पे ये सवार हुए, राजकुमार भी थे, रथ पे सवार हुए, रथ, अब ये क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इधर, रथ पे सवार हुए तो रथ को कौन खींचेगा, घोड़ा सीखेगा, घोड़ा खींचेगा ना, कौन खींचेगा, घोड़ा, और घोड़े को भी कोई चलाएगा। तो आपको ये देखना है घोड़े का नाम क्या था, कंठक, कहीं पे कंठक मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे कंठक मिलेगा, कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू कंफ्यूजन। तो कंठक नाम था घोड़े का, और जो इसको खींच रहे थे, जो उनका सेवक था, क्या बोलेंगे उसको, क्या होता है जैसे गाड़ी तो हो गई, जैसे मान लो घोड़ा, ड्राइवर, लाइक ड्राइवर, तो वो कौन था, मतलब चन्ना। अब आपको याद कैसे रखना है, घोड़ा क्या खाता है, चने, मुख्य भोजन क्या है घोड़े का, चने, तो चना घोड़ा का नाम होगी, घोड़ा तो क्या कंठक, और घोड़े को खींचने वाला जो उनका सहायक था गौतम बुद्ध का, वो कौन था, चन्ना। अब जब ये सांख्य वंश का, ये राजवंश का दौरा करने लगे, अब ये चार मुख्य घटनाएं हैं जो जीवन को परिवर्तित कर देंगी, सुनिएगा चार घटनाएं क्या क्या हैं। तो पहली घटना, जब इन्होंने दौरा किया तो इनकी भेंट इन्होंने देखा किसको, वृद्ध व्यक्ति को, एक बूढ़े इंसान को, पूछा चन्ना ये कौन है, तो उन्होंने कहा यही तो है, उन्होंने कहा राजकुमार गौतम बुद्ध को, यही तो जीवन की सच्चाई है कि एक दिन इंसान की आयु ढलने लगती है और उसे सहारे की जरूरत होने लगती है। फिर आगे चले तो एक देखा रोगग्रस्त व्यक्ति को, जो हम तो उसे कहा चन्ना ये कौन है, कि ये शरीर जो है हमारा, ये नाश्वर है, इसे कोई रोग लग जाए तो दुनिया के सारे सुख फीके लग जाते हैं। मेरे किसी फ्रेंड ने कहा था प्रथम सुख निरोगी काया, तो वही वाली बात, ठीक है। तो वो चीज, वो कहता है कि शरीर नाश्वर है और इसे कोई रोग लग जाए तो ये हाल हो जाता है और आदमी दूसरों पर आश्रित होने लगता है। फिर आगे चलते हैं, फिर कहते हैं ये कौन है, तो कहते हैं यही तो किससे होती है भेंट, तीसरा पर्सन कौन था, साधु, एक साधु से उनकी को देखते हैं, तो कहते हैं वह, तो कहते हैं यही सबसे मगन मुक्त व्यक्ति है, क्या कि या तो ये इसका कोई नहीं, यानी क्या बोलेंगे, रमता जोगी बहता पानी, यानी कोई नहीं इसका, या तो इसका पूरा जमाना, यानी या तो इसका कोई जमाने में नहीं, या फिर ये पूरे जमाने के लिए, क्या बोलेंगे, या तो मैं मान लीजिए पूरा जमाना मेरे लिए है क्योंकि मुझे किसी चीज का होश ही नहीं है, मोह माया का त्याग कर दिया, या फिर मैं जमाने के लिए हूँ क्योंकि मैं तपस्या कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई तपस्या नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है। तो साधु का क्या होता है कि या तो वो पूरे जमाने के लिए एक उदाहरण, या फिर पूरा जमाना उसके लिए, क्यों उसके लिए, क्यों, क्योंकि उससे कोई लेना नहीं, मोह माया का पूर्णतः त्याग। तो यही उन्होंने कहा, यही सबसे सुखी व्यक्ति है जो जिसने मोह और माया को पूरी तरह त्याग दिया है, क्योंकि ये जानता है कि ये संसार दुखों का वास है। तो चन्ना ने, अब चौथे व्यक्ति से भेंट होती है, चौथे व्यक्ति को देखते हैं तो वो होता है मृत, कौन, मुर्दा, एक मुर्दे को देखते हैं तो कहते हैं ये क्या, ये भी ऐसा भी होता है, क्योंकि माता जब गुजरी थी तब तो खुद 7 दिन के थे लगभग, तो 7 दिन का बच्चा क्या होता है, तो वो कहते हैं ये क्या, तो बोले ये जीवन की सबसे सबसे वास्तविक मतलब रूप है, ये जीवन का सबसे वास्तविक रूप है, क्योंकि मिट्टी का शरीर और मिट्टी में ही रिल जाता है। तो ये चार चीजें देखी तो आभास हुआ गौतम बुद्ध को, आभास हुआ कि भाई ये तो मतलब दुनिया में कैसे कैसे रूप हैं और कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे दुख हैं और कैसे कैसे दुखों का निवारण किया जाए। अब तो अंदर ही अंदर बेचैनी का
एक व्याकुलता का आलम उत्पन्न होने लगा, मतलब जन्म लेने लगी एक बेचैनी, एक व्याकुलता। अब क्या हुआ भाई, ज्ञान की प्राप्ति में अब एक क्वेश्चन आएगा, कितने वर्ष लगभग ज्ञान की प्राप्ति में भटके गौतम बुद्ध? तो ये समझ लीजिए आप कि 6 वर्ष लग गए, तप किया, तपस्या की, ध्यान लगाया, त्याग किया, इधर भटके, उधर भटके, यहाँ भटके, वहां भटके, परिश्रम पे परिश्रम, परिश्रम पे परिश्रम, 6 वर्ष हो गए इसी चक्कर में। और 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? सुनिए, निरंजना रिवर के, यानी निरंजना नदी के तट पर। कौन सा? निरंजना नदी के तट पर, और उर्वेला ग्राम डिस्ट्रिक्ट था। क्या था? उर्वेला ग्राम। ये क्या? बौद्ध गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? अभी क्या है ये? बौद्ध गया, बिहार का बौद्ध गया। गया बन गया बिहार का बौद्ध गया, उसको बाद में बना, इसी को बौद्ध गया कहा गया। और पूरे ज्ञान की घटना को कहा जाएगा संबोधि। क्या कहा जाएगा? संबोधि। तो देखिए, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उर्वेला ग्राम, उर्वेला ग्राम जो शायद अब तो डिस्ट्रिक्ट होगा। और इस पूरे घटना को क्या कहा गया? संबोधि। और पीपल का जो वृक्ष था ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो क्या बन गया? बोधि वृक्ष। कौन सा? बोधि वृक्ष। अब देखिए, इनके साथ 5 लोग थे जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। आनंद रूपाली का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो मैं तो बताऊंगी, आगे बहुत कुछ है भाई, बहुत बौद्धिस्ट लिटरेचर बहुत ज्यादा है, तो कवर नहीं हो सकता 3-4 पार्ट से पहले, 3 पार्ट से पहले। तो आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब ये देखना है हमें कि ये तो निरंजना रिवर हो गई, उर्वेला ग्राम हो गया, और क्या हो गया? संबोधि। इस घटना को कहा गया बोधि वृक्ष, कहा गया पीपल के वृक्ष को। और पूरे पूरे उसको क्या किया गया? कहा गया ज्ञान प्राप्ति के पूरे क्रम को संबोधि। ठीक है, ये 5 लोग थे जो इनके बहुत पहले से साथ थे, लेकिन इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था बीच में। क्या? साथ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? कि ये जब ज्ञान की प्राप्ति में के लिए इधर उधर भटक रहे थे, मतलब परिश्रम कर रहे थे, तपस्याओं पे तपस्या करे जा रहे थे, त्याग कर रहे थे, तो बहुत मानते थे वो लोग इन्हें, है ना। लेकिन सारी चीजें क्या हो रही थी? एक महिला थी, मैं आपको बताती हूँ, उसका उसके बारे में कहा जाता है शायद वो कुमार की बेटी थी, है ना। तो महिला थी, ये तो मैं आपको कहूंगी, कुमार की बेटी नहीं थी या थी, इसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन आना भी नहीं है। उसका क्या नाम था? उसका नाम था सुजाता। सुजाता नाम की एक महिला थी जिसने इन्हें खीर खिलाई थी, खीर खिलाई थी। और पता नहीं, ऑनलाइन बताना सही होगा भी नहीं, मैंने तो और कुछ सुना था कि खीर के बाद और कुछ भी खिलाया था, लेकिन खैर वो बात हम बाद में करेंगे, अभी तो यही करेंगे। खीर खिलाई थी, खीर खिलाई थी, और खीर खिलाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि शायद ये को ढोंगी बाबा ना हो। वैसे तो ये त्याग तपस्या सारी चीजें इन्होंने की, त्याग भी तो किया ना, अभी निष्कर्मण का नाम दिया अभी मैंने, तिग्रह और सारा कुछ बताया, लेकिन पता नहीं कहीं ढोंगी तो नहीं है जो इन्होंने खीर खा ली और फिर उसके बाद इधर, मतलब कुछ उनका थोड़ा सा शक हो गया उन्हें कि ऐसा तो नहीं, को ढोंग तो नहीं है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति हुई, जब ज्ञान प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में, तो इसको इन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ, जिसको अभी हम क्या कहते हैं, सारनाथ कॉल्ड एज ऋषि पत्तनम इन यूपी। तो सारनाथ ने उपदेश दिया था, और जब ज्ञान मिला था तो इन्हीं 5 लोगों को जिन्होंने साथ छोड़ दिया था ना, उन्हीं को मिलाया, जिसमें आनंद और उपाली भी थे, और उन 5 लोगों को ये अपना ज्ञान से इन्होंने क्या करवाया, क्या ज्ञान से इंट्रोड्यूस करवाया, है ना, अपना ज्ञान फैलाया, उन 5 लोगों को सबसे पहले अपना ज्ञान ग्रहण करवाया। तो ये चीज थी। अब इनके पहले ग्रुप का, पहले गुरु कौन थे, एक दूसरे गुरु कौन थे जो अध्यात्मिक इनके कहा जाए तो अध्यापक रहे। तो ये बातें हमें लगता है कल करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और सारे लोग
इसको अच्छे से ना देख पाए, इसलिए ऐसा ना हो जाए। तो ये सारी बातें आप याद करें, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमें क्या पढ़ाना है, इनके पहले गुरु, फिर घटनाएं, फिर डॉक्ट्राइंस, और उसके बाद आगे आगे चलते रहेंगे। तीन पार्ट में इंशाल्लाह इसको कवर कर देंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। जाते जाते एक घटना और सुन लें। जब ये इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता ने एक सपना देखा था। सपना मतलब जन्म होने से पहले, जब ये गर्भ में थे, जब प्रेग्नेंट थी वो, तो उन्होंने एक ड्रीम देखा था, ख्वाब देखा था, जिसमें क्या देखा था कि एक बुल, एक यानी सांड, एक बुल है जो उनके घर में आ रहा है, और उस पर एक बालक है जिसने कमल का फूल ले रखा है। तो ये सपना देखा था उन्होंने। तो ये आपको बताऊंगी मैं, जब मैं वो पढ़ाऊंगी ना सिंबल्स ऑफ लाइफ, सिंबल्स ऑफ लाइफ ऑफ बौद्धा, तो ये बुद्धा की सिंबल लाइफ सिंबल्स पढ़ाऊंगी लाइफ के, तब मैं आपको कल ये पूरी बातें बताऊंगी। तो मिलते हैं कल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।